हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप। स्वागत करता हूँ अपने चैनल डिजिटल पढ़ाई में। यहाँ आपको हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑन डेली बेसिस, और फिर हम उनका एनालिसिस करते हैं, यानी कि फैक्ट चेक करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, ताकि ये आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे सारे कवर हो जाएंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एग्जाम्स लाइक SSC, SBI, RRB, सब में ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। इंस्टाग्राम का हैंडल क्या है? knowledge32k20। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट नाम से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपना विशेष अभियान चलाया है? ऑप्शंस आर दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, नौ नवदीप। तो ये 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट का अभियान कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने चलाया है? तो उसका आंसर है दिल्ली, यानी दिल्ली। तो चलिए दिल्ली के बारे में जानते हैं। तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। और वहां पे कौन सी पार्टी रूलिंग में? अभी आप, यानी AAP। अनिल बैजल हैं वहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि 21st लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के दिल्ली के। ऑन विच डे इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज ऑब्जर्व? हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर। तो इसका आंसर है 9 सितंबर। तो 9 सितंबर को ये डे मनाया जाता है। क्या नाम है उस डे का? इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। विच नेशंस प्रेजिडेंट वॉज नेम्ड फॉर 2021 नोबल पीस प्राइज? 2020-21 के नोबल शांति पुरस्कार के लिए किस राष्ट्र के राष्ट्रपति का नाम रखा गया है? ऑप्शंस हैं भारत, रूस, अमेरिका, संयुक्त अरब इमारात, यानी UAE। तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम रखा गया है 2020-2021 नोबेल प्राइज के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि नोबेल पीस प्राइज होता क्या है और किन लोगों को दिया जाता है। नोबेल पीस प्राइज विल अवॉर्डेड टू द पर्सन हु हैड द ग्रेटेस्ट और बेस्ट वर्क डन, जिसने बहुत ही बेहतरीन काम किया होता है, फॉर ब्रदरहुड, मतलब कि भाईचारे के लिए, बिटवीन नेशंस, दो राष्ट्रों में, तो उनको ये पीस प्राइज दिया जाता है। तो अभी नॉमिनेट कौन कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? यूएस के प्रेसिडेंट हैं। यूएस की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। कौन सी करेंसी चलती है यूएस में? तो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स। हु वाज सिलेक्टेड एज द ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर फॉर द वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक? विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक के लिए ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन आर भारतीय स्टेट बैंक, स्विस बैंक, विश्व बैंक, सिंगापुर के विकास बैंक, यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो इसका आंसर है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो इस बैंक को चुना गया है, किससे चुना गया है? ये गोल्डन बैंक ऑफ द ईयर के लिए। DBS बैंक, यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर की एक बैंक है जो कि मल्टीनेशनल बैंकिंग है, मल्टीनेशनल बैंकिंग प्रोवाइड करती है, इसको ही चुना गया है वर्ल्ड बेस्ट बैंक ऑफ द ईयर के लिए। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वीडियो में आपसे पूछा गया था। सिंगापुर के अभी के प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब, जो कि एक फीमेल प्रेसिडेंट हैं और जो कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं सिंगापुर की। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरी डॉलर्स। वेयर इज यूनियन मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल अनविल ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट? केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का खुलासा कहाँ किया, यानी कि कहाँ ये खोला गया है
ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। वहां की गवर्नर कौन है? राजधानी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आर भारत, रूस, जापान, इसराइल। तो इसका आंसर है भारत। तो भारत क्या है? शतरंज का जन्मदाता देश है, यानी कि और शतरंज कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? इंडिया में। अर्ली फॉर्म्स ऑफ चेस ओरिजिनेटेड इन इंडिया। तो कहाँ चेस बनाई गई थी, कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? इंडिया में। और कब हुआ था? 6th सेंचुरी। तो चेस का जन्मदाता देश कौन है? भारत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज रिलेटेड टू इंदिरा गांधी गोल्डन कप? इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शंस आर हॉकी, बॉक्सिंग, क्रिकेट। नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हॉकी। तो यहाँ पे बड़ी ध्यान वाली बात है, इंदिरा गांधी गोल्डन कप की बात हुई है। कौन सी कप की बात हुई है? इंदिरा गांधी गोल्डन कप। तो किससे ओरिजिनेटेड है वो? हॉकी से। अगर बात होती, ध्यान से सुने, अगर बात होती इंदिरा गांधी कप की, तो उसका आंसर होता बॉक्सिंग। फिर से बता देते हैं, इंदिरा गांधी गोल्डन कप हॉकी, इंदिरा गांधी कप बॉक्सिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड चैटबोट नेम्ड योर फ्रेंड फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज? निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए योर फ्रेंड नाम से एक चैट बॉक्स लॉन्च किया? ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, हरियाणा। तो इसका आंसर है हरियाणा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है चैट बॉक्स जिसका नाम है योर फ्रेंड। तो चलिए जानते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा की बात करें तो वहां के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और वहां के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और पंजाब की भी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पालसी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पालसी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? व्हेन वाज द बैटल ऑफ पालसी फोर्ट? ऑप्शंस आर 1757, 1913, 1948, 1857। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1757। जानते हैं इसके बारे में, द बैटल ऑफ पालसी कब लड़ी गई थी? 23 जून 1757 को। और किस किस के बीच में हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में हुई थी। और कौन जीत गया था इसको बैटल को? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। बात करें कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी भागीरथी के बैंक पे, यानी कि भागीरथी जो रिवर है उसके पास। हु इज द फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी? निम्नलिखित में से भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शंस आर गोविंद स्वरूप, प्रोफेसर राजीव देशमुख, जयप्रकाश रेड्डी। नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है गोविंद स्वरूप। गोविंद स्वरूप को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी। तो ये हैं गोविंद स्वरूप, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है 7 सितंबर 2022
2020 को। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है, या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज नॉलेज फैक्ट्री 2K20 पे जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।